गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज का जो हॉल है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रेसेस का हॉल है और ये सारे ही ड्रेसेस मैंने अमेजोन से परचेज किए ड्यूरिंग सेल टाइम में, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिले। और अपकमिंग फेस्टिवल यानी कि दिवाली पे, भैया दूज पे अगर आप इन ड्रेसेस को पहनना चाहती ना, तो आप बिल्कुल इजिली पहन सकते हैं। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए। बट हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला वाला जो ड्रेस है वो है ये वाला, और ये थ्री पीस का सेट है, यानी कि हमें इसमें ये ऊपर का कुर्ता रिसीव होता है, प्लाजो पैंट रिसीव होता है, प्लस दुपट्टा रिसीव होता है। और अगर मैं ड्रेस की बात करूँ ना, तो ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स। ये देखिए, पिंक कलर का है, जॉर्जेट का मटेरियल है और पूरे ड्रेस पे हमें इस तरह से ये मल्टी कलर में वेवी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, रेशम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी प्लस सीक्वेंस का काम हमें मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा प्यारा है फ्रेंड्स ये देखिए। और बॉटम में हमें इस तरह से ये हैवी वर्क मिल जा रहा है, पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, रेशम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी प्लस इसमें फॉइल मिरर भी लगे हुए हैं। और अगर इसकी मैं एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में है, बिकॉज कहीं से भी कोई थ्रेड इसका निकला हुआ नहीं है। और पहनने के बाद में ना, बहुत ही रिच लुक दे रहा था, मीन्स मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये रिसीव हुआ है। इस तरह से राउंड नेक पैटर्न में है और ये इसमें जो मेरा साइज है वो स्मॉल, बट मुझे थोड़ा सा ये लूज हो रहा था तो मुझे थोड़ा इसे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। और जो हैंड स्लीव्स रिसीव होती है वो 3/4 रिसीव हो रही है, और हैंड स्लीव्स पे अगेन हमें ये मल्टी कलर में रेशम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, यहाँ पे हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बैक साइड से ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात है ना, इसमें हमें अस्तर भी स्टिच होके मिल रहा है, मीन्स ये कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अस्तर का जो मटेरियल है वो है क्रेप का मटेरियल, और दिवाली के टाइम पे वैसे भी थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है इस तरह से, तो ये बॉडी को भी वार्म रखेगी और लुक इसका नो डाउट बहुत अच्छा है। हमें इस तरह से ये प्लाजो पैंट रिसीव हो रहा है, पैंट का जो मटेरियल है वो भी सेम जॉर्जेट का ही है, इसमें भी हमें स्टिच लाइनिंग मिल रही है, अस्तर लगा हुआ है, क्रेप का मटेरियल है, वेस्ट लाइन पे इस तरह से इलास्टिक मिल जाती है, बहुत ही रफ एंड टफ है। और इसका जो प्लाजो का जो ब्रॉडनेस भी है ना, देखिए काफी अच्छा हमें मिल रहा है, काफी अच्छा खासा घेरा मिल रहा है, मीन्स पहनने के बाद में ना ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि प्लाजो पैंट कम स्कर्ट लग रहा था, बिकॉज इसका जो फ्लेयर है ना हमें बहुत अच्छा खासा मिल जा रहा है फ्रेंड्स ये देखिए। और लुक वाइज तो नो डाउट बहुत अच्छा है। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैंने इसमें ये बेबी पिंक कलर लिया है, आपको रेड और ब्लू भी मिल जाएगा। इसके साथ में हमें इस तरह से ये जॉर्जेट का दुपट्टा रिसीव होता है, दुपट्टा भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, पूरे दुपट्टे पे हमें इस तरह से ये गोल्डन लेस वाला बॉर्डर रिसीव होता है और ये दुपट्टे की चारों तरफ लगा हुआ है फ्रेंड्स। दुपट्टे की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर की है, ब्रॉडनेस भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है ओनली 1099 रुपीज। इस वाला जो सेट है फ्रेंड्स वो है ये वाला, और ये चंदेरी सिल्क का मटेरियल है, अगेन राउंड नेक पैटर्न में है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें छोटे 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 बूटे बने हुए हैं जो कि जरी एम्ब्रॉयडरी है, प्लस उसमें हमें सीक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा। और पूरे कुर्ती पे आपको इस तरह से ये जरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी छोटी छोटी, और उसपे आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। पहनने के बाद में ना बहुत ही ज्यादा रिच लुक दे रहा था, बिकॉज प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ज्यादा सस्ता है। और इसमें जो हैंड स्लीव्स रिसीव होती है, हैंड स्लीव्स अगेन हमें ये 3/4 मिल जाती है, और इसपे आपको ये गोल्डन कलर के गोटा पट्टी का काम देखने को मिल जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है। और सबसे अच्छी बात है ना, इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मीन्स मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये मस्टर्ड कलर लिया है, आपको वहां पे रेड मिल जाएगा, मरून, पिंक, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने ये मस्टर्ड लिया था, इसमें जो मैंने साइज चूज किया था वो है एक्स्ट्रा स्मॉल, और सीरियसली गाइज मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल ही आजकल एकदम परफेक्ट आ रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है मैंने इन दिनों, स्मॉल भी इनफैक्ट मुझे लूज हो रहा है। और ये फ्रॉम द ब्रांड है इंडो एरा, और इसका मैं आपको शरारा दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें ये शरारा पैंट रिसीव होता है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, अगेन वही चंदेरी सिल्क का मटेरियल है, और यहाँ पे आपको पूरा बहुत अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाएगा, गोटा पट्टी का काम मिल जाएगा। पहनने पे इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, मीन्स ये ऐसा ड्रेस है ना कि आप इसे अगर किसी वेडिंग फंक्शन में पहन रहे हैं, भैया दूज पे पहन रहे हैं, किसी रिसेप्शन पार्टी में भी अगर आप इसे पहन के जाना चाहते हैं ना, तो आप डेफिनेटली इसे पहन सकते हैं। इसके साथ में हमें कोई दुपट्टा रिसीव नहीं होता, बट आप चाहें तो दुपट्टा लगा सकते हैं अपने चॉइस का कोई भी आप इसे लुक देने के लिए, बट दुपट्टा नहीं है तब भी ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे लुक बुक शेयर की, आप लोग इसे देख के जरूर बताइएगा कमेंट करके मुझे।
सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने ये वाला सेट लिया था और ये विद शरारा है। इस टॉप को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई पता नहीं इसे क्या कहते थे, बट हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स। कॉटन रेयॉन का मटेरियल है और पूरे इस पे टॉप पे हमें इस तरह से ये देखिए फॉइल प्रिंट मिल जाता है, लुक वाइज काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हमें ये हैवी गोटा पट्टी का काम मिल जाता है और सीक्वेंस का गोटा पट्टी का जिगजैग पैटर्न में इस तरह से ये लेस लगा हुआ है। पहनने पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और जैसे कि किसी को बहुत सिंपल सा इंडो वेस्टर्न लुक देना है ना, तो आप इस तरह का ड्रेस डेफिनेटली दिवाली पे पहन सकते हो, बिकॉज ये समवॉट कुछ ना इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ ही है। और इसमें हमें इस तरह से स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो साइज मुझे सेलर ने भेज दिया है वो है मीडियम, और मुझे तो मीडियम इतना ज्यादा लूज हो रहा था तो मैंने ट्राई ऑन में इसे पीछे से पिनअप किया है, बिकॉज मुझे काफी ज्यादा लूज हो रहा था ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है लाइक दिस। शरारा पैंट इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, अगेन वही कॉटन रेयॉन का मटेरियल है, वाइन कलर में पूरा फॉइल प्रिंट आपको मिल जाता है ये देखिए। और यहाँ पे भी आपको इस तरह से ये गोटा पट्टी का काम मिल जाएगा पूरे शरारा पे लाइक दिस ये देखिए। और इसका लुक ना पहनने के बाद में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी को अगर इंडो वेस्टर्न लुक देना है तो डेफिनेटली आप ये इस तरह का कुछ ट्राई कर सकते हैं दिवाली पे। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 762 रुपीज। के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इन तीनों ही ड्रेसेस में से आप लोगों को कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलूंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर एवरीवन।